पुतिन ने अब यूक्रेन से भी बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। पुतिन अब यूक्रेन से आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका लक्ष्य दुनिया में बहुत ही बड़ी तबाही का गवाह बन सकता है। पुतिन ने एक ऐसी संधि से हाथ खींच लिया है जो यूरोप में युद्ध रोकने के लिए बनाई गई थी। अब डर है कि पुतिन पूरे यूरोप पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ऐसा हमला जो सोचा ना था, ऐसा धमाका जिसकी शॉक वेव में ढह गया एक बड़ा इलाका। धमाके के बाद क्या हुआ, दिल संभाल लीजिए, तस्वीरें बेचैन कर सकती हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने के लिए भागती है, हर तरफ मलबा ही मलबा है, इमारतें गिरी हुई हैं, लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं और अब जिंदा लोगों की तलाश की जा रही है। चिल्ला चिल्ला कर पूछा जा रहा है कि क्या कोई जिंदा बचा है, कौन कहां फंसा है। ये युद्ध की सबसे खतरनाक तस्वीर है, जब मौत और जिंदगी के बीच कुछ सेकंड का फासला होता है। मलबे में एक शख्स दबा हुआ मिलता है, बाहर निकले उसके हाथ को थाम लिया जाता है और फिर मलबा हटाने का काम शुरू हो जाता है। पूरी कोशिश है कि किसी तरह उसे जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, एक जिंदगी बचा ली जाए। मलबे में दबे हुए शख्स को किसी तरह निकाल लिया जाता है, वो होश में नहीं है लेकिन सांसें बता रही हैं कि जिंदगी बचाई जा सकती है। रेस्क्यू में लगे लोग उसे फॉरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। ये है युद्ध की सबसे भयावह तस्वीर और रूस की फौज बता रही है कि यूक्रेन का जो हाल हुआ है वो पूरे यूरोप का हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने अब पूरे यूरोप में टाइम बम फिट करने का फैसला किया है। क्या ऐसा बम लंदन में फिट किया जाएगा, क्या ऐसा बम पेरिस में लगाया जाएगा, क्या बर्लिन में भी इसी बम की टिक टिक वाली आवाज सुनाई देगी, क्या इटली की राजधानी रोम भी पुतिन के निशाने पर है, क्या ये टाइम बम बेल्जियम से लेकर चेक गणराज्य में भी लगाया जाएगा। यूरोप के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे देशों जैसे एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया और यूक्रेन की मदद करने वाले स्लोवाकिया से लेकर डेनमार्क में भी फिट किए जाएंगे। It was our solidarity which improved our position. Solidarity amongst the EU and NATO and with our partners. In response to Russia's full-scale invasion on Ukraine, NATO allies increased their presence on the eastern flank. And we will continue to do so also through the decisions we take at the NATO summit in Vilnius next month. Putin ki dehshat bahut zyada hai. क्योंकि पुतिन ने एक बड़ी हथियार संधि तोड़ने का फाइनल फैसला कर लिया है। इस संधि का नाम है CFP, यानी ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप। 1990 में हुई CFP संधि के मुताबिक यूरोप में नेटो और सोवियत दौर के देश एक तय तादाद से ज्यादा हथियार नहीं रख पाएंगे। इनमें टैंक भी होंगे, तोप भी होंगी, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी होंगे, ताकि यूरोप में सेनाओं के बीच संतुलन बना रहे और युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन अब इस संधि से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद पुतिन के हाथ खुल चुके हैं। पुतिन अब बड़ा फैसला ले सकते हैं। पुतिन अब और खतरनाक हो चुके हैं। पुतिन क्या करेंगे, इसे लेकर यूरोप के बड़े बड़े देशों की राजधानी में खौफ पसरा है। यूरोप के बड़े बड़े शहरों में पुतिन के फैसले ने टाइम बम फिट कर दिए हैं। ये बम फटे तो पूरा यूरोप फटेगा, ये बम फटे तो हजारों लाखों जान जाएंगी। पुतिन के फैसले का सबसे बड़ा शिकार इस वक्त जो शहर बन सकते हैं उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि पुतिन को तबाह करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की कर रहे हैं वो इस वक्त यूरोप से ही आ रहे हैं। अमेरिका तो बड़ी फंडिंग कर रहा है, हथियार और उनका सप्लाई रूट यूरोप ही बना हुआ है, और इसी बात से पुतिन को सबसे ज्यादा नफरत हो गई। पुतिन अब बदला लेना चाहते हैं और वो ऐसा करते वक्त
पूरे यूरोप पर आग बरसाना चाहते हैं। पुतिन के फैसले का सबसे बड़ा असर लंदन पर पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो ये शहर तबाह हो जाएगा। पुतिन के फैसले का असर बर्लिन पर पड़ सकता है। पुतिन का धमाका पेरिस में भी देखने को मिल सकता है। ऐसा ही हमला रोम में भी हो सकता है। पुतिन के इस गुस्से की बड़ी वजह है, इसके बारे में वो पूरे नेटो को बार बार आगाह करते रहे हैं, लेकिन अब तक नेटो नहीं माना है। इसलिए पुतिन के टारगेट पर यूरोप के चार देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। इन्हीं चार देशों से जेलेंस्की ने युद्ध का चंदा इकट्ठा किया है। हाल ही में जेलेंस्की ने यूरोप के चार देशों का एक्सप्रेस दौरा किया। जेलेंस्की सबसे पहले इटली गए, इसके बाद जेलेंस्की फ्रांस भी गए और जर्मनी भी गए। फिर जेलेंस्की ने ब्रिटेन के भी दौरे का फैसला किया। हालांकि इस दौरे से पहले ही जेलेंस्की को स्ट्रॉन्ग शैडो मिसाइल मिल चुकी थी और अब तक जेलेंस्की इस क्रूज मिसाइल से कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अब देखिए जेलेंस्की को जर्मनी से मिली तोप का खतरनाक रूप। रूस के ठिकानों पर आग के गोले बरसाती ये है जर्मनी की सबसे भरोसेमंद आर्टिलरी, नाम है PZH-2000। जर्मनी की ये तोप यूक्रेन में रूस की फौज पर कयामत बनकर टूट रही है। ये बखमूत का वो बचा खुचा इलाका है जहां जेलेंस्की की फौज अब भी मौजूद है और यहां जर्मनी की इस तोप ने रूस के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। ये तोप एक मिनट में 155 mm के 9 गोले दाग सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 36 किलोमीटर है, जबकि PZH-2000 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान है क्योंकि ये टैंक नुमा कैरियर पर माउंट करके बनाई गई है। Є санкції проти юридичних та фізичних осіб, більшість з них російські, які працюють на терор. Загалом 220 компаній та 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну і особи, через яких відбувається управління. सवाल है कि जब पुतिन ने हथियार संधि CFE यानी ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप को तोड़ने का फैसला किया तो इससे होगा क्या? उत्तरी यूरोप में नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस अपने मेन लैंड के साथ साथ कलिनिनग्राद में बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर सकता है और इसी जगह से पूरे यूरोप पर बमबारी हो सकती है, क्योंकि संधि से निकलने के बाद पुतिन जितने चाहें हथियार यूरोप के बीचों बीच अपने इस इलाके में रख सकते हैं। कलिनिनग्राद से स्वीडन की दूरी 870 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से डेनमार्क की हवाई दूरी 514 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से फिनलैंड 1000 किलोमीटर दूर है। वहीं कलिनिनग्राद से नॉर्वे की दूरी 818 किलोमीटर है। इस वक्त डेनमार्क को भी रूस से परमाणु खतरा सता रहा है। जब से रूस ने बेरेंट और नॉर्वेजियन सागर में 14 घंटे से ज्यादा देर तक न्यूक्लियर बम वर्षक उड़ाए हैं, तब से नॉर्डिक देश सावधान हो गए हैं। रात के अंधेरे में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान को यूरोप परमाणु युद्ध की सीधी चेतावनी के तौर पर देख रहा है। ये हवाई हमले कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा इलाका है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि कलिनिनग्राद में रूस ने परमाणु हथियार लगा रखे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर नॉर्डिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। रूस लंबे वक्त से संधि को तोड़ना चाहता था। पुतिन का ऐलान तो बस औपचारिकता कही जाएगी। रूस बार बार ये कहता रहा है कि रूस के खिलाफ नेटो की गुटबंदी ऐसी हो चुकी है कि उससे किसी संधि की इज्जत नहीं की जा सकती। और अब रूस पर भी दबाव बनता जा रहा है कि वो मौजूदा सिस्टम को फिर से परखे। दानी नीदरलैंड्स और их так сказать намерение быть в первых рядах
тех, кто тренирует украинских пилотов работать на западных самолетах. Но, наверное, здесь прежде всего желание понравиться гегемону. Эти страны проводят, активно проводят в европейских делах, на европейских форумах линию Вашингтона. Путин इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है. मॉस्को पर ड्रोन अटैक के बाद तो पुतिन किसी चीज को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अब वो पूरे यूरोप को बहुत ही खतरनाक सजा देना चाहते हैं. पुतिन के गुस्से को यूरोपीय संघ धीरे धीरे समझने लगा है. ईयू के एक डिप्लोमैट जोसेफ बोरेल की एक बात गौर से समझिएगा. No soy optimista sobre qué pasará a Ucrania en este estío. Lo que sí ve que es que la concentración de tropas y de fuerzas en costat de l'altre y la voluntad clara de Rusia de intentar guanyar la guerra. No anirà amb una negociació fins que no hagi intentat guanyar la guerra. Joseph Borrell saf-saf कह रहे हैं कि पुतिन का मकसद इस युद्ध को जीतना है. वो तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो जीत नहीं जाएंगे. इस वक्त यूक्रेन का युद्ध बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच चुका है. खतरा पूरे यूरोप पर मंडरा रहा है. इस युद्ध को 1.5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन क्या ये युद्ध रुकेगा? क्या ये हमले थमेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा. दोनों तरफ हजारों या कहें कि लाखों सैनिकों की जान जा चुकी है. दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है.